अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। सो स्टार्टिंग लेवल पे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है कि यार हमारी बैकग्राउंड पिक्चर का कैसे ज़्यादा ब्लर होगा। एंड नाउ द मोस्टली अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग जो हैं वो फिल्म मेकिंग तरफ यानी कि वीडियोज़ की तरफ आ रही हैं, एंड द सेम थिंग कि यार वीडियो के अंदर आपका बैकग्राउंड ब्लर कैसे होगा। बाय द वे यार, मैं कैनन 700D यूज़ करूँ, बट मैं कहूँगा यार आप कोई भी कैमरा यूज़ करें हो, कैनन का, चाहे वो फुल फ्रेम हो या FPS हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चाहे आप सोनी यूज़ कर रहे हो या नाइकन यूज़ कर रहे हो, सेम ही सेटिंग रहेंगी। बट द फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ यार, जो ब्लर की कैटेगरी होती है वो आपके लेंस के अंदर होती है, द अपर्चर वैल्यू, द F वैल्यू। तो मोस्टली आपके पास किट लेंस होते हैं जिनके अंदर F वैल्यू 3.5 से 5.6 तक होती है। मोस्टली अगर आपने अपने किट लेंस के फ्रंट पे देखो, काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है। एंड बिगनर से प्रो लेवल के ऊपर यार मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO के बारे में मैंने डीपली बात की है। सो द लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कार्ड में कहीं नजर आ जाएगा, अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बट सिंपली अगर बात करूँ यार, आपको कोई कंसेप्ट नहीं वैल्यूज होती के, तो जस्ट ट्यूटोरियल को फॉलो करो, एंड ऑफ द वीडियो 100% श्योर हूँ यार आपका भी बैकग्राउंड जो पिक्चर का है वो ब्लर आएगा। ओके एवरीबॉडी, नाउ द सेटिंग की बात करते हैं। सो फर्स्ट गोइंग टू द AV मोड। सो AV मोड जो होता है वो अपर्चर प्योरिटी मोड, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो आपकी अपर्चर F वैल्यू है वो मैनुअल होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो आपकी शटर स्पीड होती है वो ऑटो होती है, सो उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो मैं श्योर हूँ कि आप जो भी वर्ड यूज़ करें उसके अंदर एक डायल आपको जरूर मिलेगा। सो दिस टाइम अगर आप अपना डायल मूव करें तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर F वैल्यू चेंज होती हुई नजर आ रही होगी। एंड नाउ द ISO की बात करूँ, यहाँ पे मोस्टली मैं अपना ISO जो है 100 पे रख के शूट कर रहा हूँ। मोस्टली लोगों का स्टार्टिंग पे ऑटो पे होगा, मैं कहूँगा यार इसको 100 पे शिफ्ट कर दो। सो अगर आप लो लाइट सिचुएशन में काम करें, AV मोड यूज़ करें, तो मैं कहूँगा यार या तो आपके पास फ्लैश गन्स होनी चाहिए या तो आपका लाइटिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी ये जो मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा इन लो लाइट सिचुएशन। सो नाउ कुछ शॉर्ट्स लेते हैं, सिंपल कंसेप्ट आपको दे दूँ यार, जितनी आपकी F वैल्यू कम होगी आपको उतना ब्लर देखने को, जितनी आपकी F वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी सो आपको ब्लर कम मिलेगा। सो दिस टाइम मैं किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, सो द लॉस वैल्यू इसमें F 3.5 है, तो मैं इस पर शूट करूँगा। एंड मोस्टली लोगों को पता है यार मैं अपना फोटोशूट खुद कर रहा होता हूँ, सो द सिंपल टच के जरिए यार मैं अपना शॉट लेता हूँ। सो दिस इज़ द शॉट जिसमें यार आपको ब्लर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। F 3.5 किट लेंस है, सो मोस्टली लोग कह रहे थे यार किट लेंस में इतना ब्लर नहीं है, मैं कहूँगा यार किट लेंस में भी ब्लर होता है। सो नाउ अगर मैं अपनी F वैल्यू ज़्यादा करूँ, लाइक F 7 पॉइंट या 8 पॉइंट पर ले करूँ, जितना ज़्यादा करूँगा उतना कम ब्लर होगा। लाइक F 10 पर ले जाऊँ तो इस पिक्चर में आपको यार कोई भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। सो यार अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ, इसमें कोई भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। सो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट यार, जितनी आप F वैल्यू कम रखेंगे तो उतना आपको ब्लर मिलेगा। बाय द वे अगर आपके पास यार कोई 15mm F1.8 की तरह का लेंस है जिसकी F वैल्यू 1.8 होती है, यानी कि आपके किट लेंस से F वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो इससे अगर आप कोई शूट करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। इन द सेम थिंग अगर आप अपनी वीडियो के अंदर प्ले करते हैं, F वैल्यू कम रखते हैं, तो आपको जैसे अभी मेरा बैकग्राउंड आपको ब्लर नज़र आ रहा है, इस तरह आपको भी अपना बैकग्राउंड ब्लर नजर आए। सो आई होप गाइस जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई यार स्मैश द लाइक बटन, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।